राजस्थान पत्रिका बिल्ड अप इंडिया गति 120 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत ने भारतीयता को सुरक्षित रखने के लिए स्वतंत्रता चाही थी। जगतगुरु बने रहने को सांस्कृतिक दबाव के विरुद्ध शहादत दी थी, किंतु आजादी के बाद भी भारत उस सांस्कृतिक दबाव से मुक्त नहीं हो पाया। विराम। हम अपने बुद्धिजीवियों को हृदय से आज तक भारतीय नहीं बना पाए। विराम। भारत में जो संघर्ष देश में चल रहा है उसकी यही कहानी है। जीवन में परिवर्तन शाश्वत नियम है। उतार चढ़ाव, महामारियां, प्राकृतिक आपदाएं आदि निजी जीवन में भी आती है और राष्ट्रीय जीवन में भी। विराम। तीन युग पहले गुजर चुके हैं, किंतु देश के अंग भंग का ऐसा दृश्य किसी युग में नहीं देखा गया। विराम। आज देश की मूल आजादी बेघर बेरोजगार होकर त्राही त्राही कर रही है। जिनके हाथों में देश की कमान सौंपते रहे वे कभी भारतीय धरातल पर नहीं टिक पाए। न कानून ही भारतीय पृष्ठभूमि के बने, न संविधान, न शिक्षा व्यवस्था, न ही संविधान के तीनों पाए। एक एक करके सभी जेंटलमैन होते गए, भारत को विस्मृत करते चले गए। यहाँ तक कि सरकार और जनता के मध्य का सेतु मीडिया भी चौथा पाया बनकर सरकार के साथ मिल बैठा। विराम। परिणाम क्या हुआ? देश दो श्रेणियों में बट गया, शासक और शासित। आज दर्द का कोई संबंध नहीं रह गया है। दोनों में शासित ने शासक बनाया और अब वे बनाने वाले का शोषण करने लगे। विराम। हमने आजादी के साथ ही भारतीयता के चोले को उतारना शुरू कर दिया। विराम। विज्ञान को ही विकास के आधार का करार मान लिया। विराम। अंग्रेजी की अंगुली पकड़ी और निकल पड़े आधुनिक होने। आज चौबे जी न छब्बे जी बन पाए, न ही दुब्बे जी ही रह सके। विराम। ऋषियों की सारस्वत ज्ञान साधना वैश्विक दृष्टि सरस्वती तक को हम लक्ष्मी के घर गिरवी रख बैठे। जो स्वयं जड़ है, वैभव विकास जड़ है, इसके पीछे हम अपनी चेतना खो बैठे। विराम। बस शरीर जी रहा है, आत्मा तो हम उपलब्ध ही नहीं है। तब मेरे भीतर बैठा ईश्वर दूसरों के भीतर कहाँ दिखाई पड़ेगा। बस भारत बिखर गया, इसका स्वरूप खो गया। हमारे ऋषियों ने प्राचीन ग्रंथों में कोरोना जैसी आपदाओं से बच निकलने के लिए कई गुरु दिए हैं, हम उन पर विश्वास क्यों नहीं होता। विकास के सारे काल्पनिक एवं बौद्धिक सपने आज ढह गए हैं। नकल धनवान धराशायी होते जा रहे हैं। सारी विकास की अवधारणाएं वैश्वीकरण, विशेषज्ञ ज्ञान, उपभोक्तावाद, भौतिकवाद, विकासवाद तक ध्वस्त हो गए, क्योंकि इनमें कहीं मानवता का आधार नहीं था, आस्तिक भाव नहीं था, आध्यात्मिक चिंतन नहीं था, केवल मानव का जड़ शरीर पशु ही था और उसका सुख ही विकास का लक्ष्य था। विराम। आज मानवता लुट रही है। सिंह दृष्टि वाले भारत ने नकल में श्वान दृष्टि ग्रहण कर ली। विराम। इसी ने हमारी हस्ती मिटा दी। विराम। युवाओं के सपने लुट रहे हैं जो कि शिक्षा ने दिखाए हैं। काल्पनिक सिद्ध हुए संकट की घड़ी में स्वयं शिक्षा के कटघरे में खड़े हैं। हमारी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा ढांचे की पोल खुल गई है। विराम। हम गुलामों की तरह लाचार खड़े हैं, कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है। शिक्षा ने मार्ग निकालना सिखाया ही नहीं, समग्रता की शिक्षा, अध्यात्म चेतना के जागरण की शिक्षा गांवों से भी उठ गई। संकट के काल में कोई न अपनी मदद कर पा रहा है, न दूसरों की। आज पुनः भारतवासी गांव की ओर मुड़ा है। विराम। फिर से ताजा होगा विकास के नाम, जो कृषि एवं पशुपालन आज जहर उगल रहा है, अब फिर से अमृत वर्षा करेगा। नया भारत उभर रहा है, नया अर्थशास्त्र बनेगा शहरों और
अट्टालिकाओं से उसका मोह भंग हो गया, विराम वैराग्य छा गया। उसके मन में मायावी मुकोटे की चकाचौंध से अब नए सिरे से गांव की माटी की गंध सूंघेगा। हमें इसका स्वागत करना चाहिए, विराम।